चोरी छुपके नेपाल के जरिए इंडिया में घुस जाना इतना आसान हो गया है कि अब हर कोई सीमा हैदर के नक्शे कदम पर चलने लगा है। कल तक जो लोग इलीगल इंडिया में कदम रखने हजार बार सोचते थे, हमारे देश की मीडिया और अनभक्तों की मेहरबानी है कि आज वही लोग बिना पासपोर्ट इलीगल तरीके से इंडिया की बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। सीमा हैदर के बाद अब 24 साल पाकिस्तानी फयाज पिछले कई दिनों से हैदराबाद के बहादुरपुरा में अपना नाम बदल कर रह रहा था। बहादुरपुरा पुलिस ने पाकिस्तानी फयाज को गिरफ्तार कर इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम हुआ ये हैदराबाद की रहने वाली 29 साल नेहा फातिमा नामी अपनी वाइफ से मिलने हैदराबाद आया था। पुलिस ने बताया फयाज नामी ये पाकिस्तानी लड़का दुबई के गारमेंट कंपनी में जॉब करता था। वहां नेहा फातिमा से इसकी मुलाकात हुई और दोनों ने 2019 में शादी कर ली थी। इन दोनों को एक 3 साल का लड़का है और दोबारा प्रेग्नेंट होने पर अपनी वाइफ से मिलने नेपाल के जरिए इलीगल तरीके से फयाज हैदराबाद में आया हुआ था। हैदराबाद में फयाज का डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया था और आधार कार्ड बनाकर इसके ससुराल वालों ने हमेशा के लिए इसको हैदराबाद में रखने का प्लान बनाया था। पुलिस ने फयाज को गिरफ्तार कर लिया है और ससुराल वालों पर भी केस बुक किया गया है। अब ना जाने फयाज के साथ हैदराबाद पुलिस क्या करती है, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि फयाज और इसके जैसे कई लोगों के हौसले सीमा हैदर को देख बुलंद हो रहे हैं। सीमा हैदर को देश की मीडिया ने इतना पॉपुलर कर दिया है कि आज सीमा हैदर पर मूवी बन रही है और बिग बॉस और कपिल शर्मा शो से उसको बुलावा आ रहा है। इलीगल तरीके से इंडिया में घुसने वाली सीमा हैदर को आज जेल में होना चाहिए था, लेकिन उसको आज एक स्टार बनाया गया है। असल मुद्दों को छुपाने के लिए मीडिया हर रोज सीमा हैदर के गुण गा रही है। सीमा हैदर के सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर चीज पर देश की मीडिया में बवाल मचा हुआ है। अगर इस तरह इलीगल तरीके से इंडिया में घुसने वालों को सर पर बिठाया जाएगा तो फयाज और इसके जैसे कई पाकिस्तानी इंडिया में घुसते जाएंगे, जिससे देश को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानी फयाज की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है। एक तरफ सीमा हैदर को स्टार बनाया गया है और दूसरी तरफ फयाज को गिरफ्तार कर उसके ससुराल वालों पर भी केस बुक कर लिया गया है। जिस तरह फयाज के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने एक्शन लिया है, अगर इसी तरह सीमा हैदर के खिलाफ एक्शन लिया गया होता तो आज शायद फयाज इंडिया में घुसने की हिम्मत ना करता। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारी हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। कल बहादुरपुरा पुलिस ने एक शख्सियत को पकड़ा था, वो पाकिस्तानी नेशनल फयाज बोल के बंदा था। हमारे इन्फॉर्मेशन पे उनको पास उनको राइड किया था तो उनसे पूछताछ किया तो वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे इंडिया पे रह रहा था। ना वो उनका पास वीज़ा था, ना उनका पासपोर्ट भी जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो भी एक्सपायर हो चुका था। ने पूछताछ किया तो पता चला है बंदा जो 2018 से जो पाकिस्तानी नेशनल स्वात रीजन गए थे वो 18 से शारजा पे काम कर रहा था। 2019 पे नेहा फातिमा बोल के एक लेडी जो यहाँ का है उनसे रिलेशनशिप पे था और शादी किया था और एक बच्चा भी हुआ। और जैसे लड़की अपने वापस आ गया, लड़की से मिलने के लिए और बच्चे को देखने के लिए ये भी इंडिया आने कोशिश किया था। उसके लिए उनका सास ससुर का हेल्प लेके थ्रू काठमांडू, दुबई से काठमांडू, काठमांडू से फ्लाइट आया था, काठमांडू से बाई लैंड बॉर्डर इंडिया पर एंटर हुआ और वहाँ से ट्रेन लेके हैदराबाद आया था। इस एंटर उसके पास जो हम लोग बरामद किया था इस्लाम का पासपोर्ट जो एक्सपायर हो गया उसका पासपोर्ट, पाकिस्तान नेशनल आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट फ्लाइट टिकट्स और बोर्डिंग पास जिससे वो दुबई से काठमांडू आया। उसके बाद जो होटल पे रुका था नेपाल में उसका भी ओयो बुकिंग और रेलवे टिकट्स जिससे वो या काठमांडू माने इंडिया में ट्रैवल किया हैदराबाद पहुँचने के लिए सारे हम लोग रिकवर किया था। ये पूरा ऑपरेशन जो है एडिशनल डीसीपी साउथ जोन जहांगीर के सुपरविजन पे एसीपी फलकनामा सुधाकर और इंस्पेक्टर बहादुरपुरा अनिल कुमार और उनका स्टाफ किया था, उनको सबको बधाई बात दे रहे हैं। और साथ साथ सभी मित्रों को मीडिया मित्रों के द्वारा सभी लोगों को ये हम लोग अपील कर रहे हैं कोई भी। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारी हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।